सबसे पहले आप सभी भाइयों का नमस्कार और धन्यवाद। आप लोग आए, हमारी 2 जुलाई को बिलासपुर में महारैली हुई थी, जो जहां केजरीवाल साहब हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली और हमारे पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथ आए थे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी। आपने देखा होगा लाखों की कनात में छत्तीसगढ़ से कोने कोने से वहाँ लोग पहुँचे, बहुत बड़ी महारैली हुई। तो लोग जो छत्तीसगढ़ की जनता है, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, ये भी चाहते हैं कि हम भी पंजाब में जैसे दिल्ली के कामों को देखते हुए, आम आदमी पार्टी के कामों को देखते हुए बदलाव पंजाब वालों ने लाए। तो वो कहते हैं जैसे दिल्ली में सरकार बनी, पंजाब में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, तो एक मौका केजरीवाल को दिया, तो अभी बार बार अरविंद केजरीवाल जी को मौके दिल्ली में मिल रहे हैं, अभी पंजाब में भी शुरुआत हो गई है। तो छत्तीसगढ़ के इतना बड़ा महारैली भरना, ये क्लियर हो चुका है कि छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के लोग भी चाहते हैं कि हमें भी ईमानदार सरकार बने। आज हम बसना में बदलाव पद यात्रा निकालने जा रहे हैं, जहां लोगों को साथ साथ बताएंगे, पूरी मार्केट में निकालेंगे पद यात्रा और वहां बताएंगे कि हमने दिल्ली में हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार ने, जब दिल्ली में सरकार पहली बार बनी थी तो कुछ वादे किए थे लोगों के साथ, गारंटियां दी थी। तो जब सरकार की 2020 में दोबारा इलेक्शन हुई तो अरविंद केजरीवाल जी एक ही मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि अगर हमने दिल्ली में काम किए हैं तो हमें वोट देना। तो दिल्ली के लोगों ने दोबारा फिर पूरी की पूरी सीटें आम आदमी पार्टी को देकर सरकार बनाई। वैसे ही पंजाब के लोगों ने जैसे देखा कि दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, अगर दिल्ली के बच्चों को बढ़िया शिक्षा मिल सकती है, बढ़िया स्मार्ट स्कूल मिल सकते हैं, अगर दिल्ली के लोगों को सेहत के लिए मोहल्ला क्लिनिक मिल सकते हैं, दिल्ली की बहनों की सेफ्टी के लिए अलग अलग जगह कैमरे लगा सकते हैं, बस का किराया फ्री हो सकता है, तो पंजाब में क्यों नहीं। पंजाब की पूरे पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने बदलाव की लहर चलाई और बदलाव में आम आदमी पार्टी की आपने देखा होगा बहुत बड़ी संख्या से सरकार बनाई। अब पंजाब में भी साल सवा साल हुआ सरकार बने हुए, तो पंजाब में देखो बिजली का बिल 0 हो गया जैसे दिल्ली में है, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक 600 बन गए, पंजाब में हमने 30,000 नौकरियां दे दी, रोजगार दे दिया, पंजाब में अच्छी शिक्षा के लिए पंजाब के जो टीचर्स हैं उनको शिक्षा दिलाने के लिए सिंगापुर भेजा गया, पंजाब का किसान खुश है, क्यों कि फसल उगाने के लिए बिजली पानी तो फ्री दिया पूरा पानी दिया, साथ के साथ उनकी फसल को 24 घंटे में पूरी फसल को उठाया गया। और जो मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान है पहले दिन से भ्रष्टाचार खत्म करने में लगे हैं, भ्रष्टाचार खत्म किया, जिन लोगों ने पंजाब का पैसा लूटा था, पंजाब की जनता का पैसा लूटा था, उनको जेल में भेजा गया। तो कहने का मतलब भी भ्रष्टाचार खत्म करने वाली सरकार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। तो छत्तीसगढ़ के लोग भी चाहते हैं कि हम भी भ्रष्टाचार मुक्त हों, हमारे काम भी आसान हो, किसान चाहता है कि हमें भी पंजाब जैसा किसान, जैसे पंजाब का किसान खुश है तो छत्तीसगढ़ का किसान खुश है। ये हम यात्रा में ये लोगों को बताएंगे, दिल्ली और पंजाब में अगर ईमानदार सरकार बन सकती है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। इसलिए आज हम बदलाव पद यात्रा निकालने हैं, आज महासमुंद का ये पहला शहर चुना है बसना, और हर रोज हम जहाँ 4 दिन से आए हुए हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह पे, जांजगीर चांपा भी गए, उधर दूसरे अलग अलग शहरों में गए हैं, रायपुर भी लगे हैं, रायगढ़ हमारे प्रभारी साहब, और हम चारों शहर प्रभारी आज से लगे हुए हैं और हर शहर में हमारी बदलाव पद यात्रा निकाली जा रही है। तो यही हमारा आज का जो आपको बुलाया गया है, यही बताना था कि लोगों के आपके जरिए लोगों को विनती करना है कि जहां इतने मौके अलग अलग पार्टियों को दिए, भ्रष्टाचारियों को दिए, एक मौका ईमानदार सरकार को, एक मौका आम आदमी पार्टी को, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को, आपको विनती करते हैं आपके जरिए के लोगों को कि एक मौका आम आदमी पार्टी को, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को जरूर देकर देखें। फिर आपको बार बार सरकारें बदलनी नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो हमारी अपनी सरकार बन गई है तो वो अपनी सरकार ईमानदार सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के कितने विधानसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी इस बार, छत्तीसगढ़ इस बार बहुत मजबूती से 90 की 90 सीटों पर लड़ेंगे और बहुत मजबूती से सरकार बनने जा रही है, क्योंकि वहाँ महारैली में लाखों की कनाट में अगर कोने कोने से लोग आए हैं तो सरकार बनना तय है, हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगा कर सरकार बनाएंगे। छत्तीसगढ़ क्या आम आदमी पार्टी अभी जो है मैदान में उतरने में देरी कर रही है,
नहीं नहीं देरी कहाँ कर रही है, शुरू है जी। हम तो देखो 2 जुलाई सबसे पहले महारैली हमारी हुई, दूसरी पार्टियों ने हमारी महारैली को देखते हुए बीजेपी ने रखी, कांग्रेस ने 5 सालों में जो है बसना विधानसभा से कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता दिखाई नहीं दिया। नहीं शुरू हो गए हैं जी, हम तो पहले भी आए हैं, आज फिर आए हैं, आगे से आप देखते रहोगे कि हर रोज का नया एक बसना में आम आदमी पार्टी का इतना जबरदस्त प्रचार होगा, इतनी जबरदस्त लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो अभी सामने निकलेंगे, आप खुद देखेंगे। तो हम अपनी तरफ से लोगों को विनती करने के लिए आए हैं और करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, आप पार्टी किस मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव लड़ेंगे? छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री भूपेल साहब है वो खाली पोस्टरबाजी से सरकार चला रहे हैं, भ्रष्टाचार से लदा पुदा हुआ है छत्तीसगढ़, किसान दुखी है, कोई स्कूल में एजुकेशन के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकार बने हुए 4.5 साल हो गए, भूपेल सरकार की बने हुए 4.5 साल में इन्होंने कोई एक नौकरी भी दिलाई हो किसी को बताओ, एजुकेशन के लिए कोई बढ़िया स्कूल, खाली पेड़ दीवारों पर पेंट करके उस पर लिख देना कि बढ़िया स्कूल है, स्मार्ट स्कूल है, वैसे स्कूल नहीं है। दिल्ली में स्कूल जाकर देखो, पंजाब में स्कूल देखो, दिल्ली के स्मार्ट स्कूल है जो दिल्ली में प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया है, एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया है। दिल्ली में एक रिक्शे वाले का बच्चा, एक करोड़पति का बच्चा उसी टेबल पर बैठ के पढ़ाई करता है, क्यों? क्यों उनको पता है कि इसी सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल से बढ़िया एजुकेशन मिलनी है। तो वही पंजाब में शुरू हो गया, वही छत्तीसगढ़ में भी लोग चाहेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए, छत्तीसगढ़ के लोग भी चाहेंगे कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, छत्तीसगढ़ के लोग भी चाहेंगे अगर पंजाब में बिजली का बिल 0 हो सकता है तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। ये हमारे गारंटियां देंगे अरविंद केजरीवाल जी और ये पूरी करते हैं, ये नहीं कि दूसरी सरकारों की तरह गारंटियां देते हैं, वादे ये लोग वादे करते हैं पूरे नहीं करते, सरकार का टाइम खत्म होने लगता है तो तब इनको चेता आता है कि नहीं मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी चाहिए, पंजाब में मुख्यमंत्री ही बदला पड़ गया था, ये कांग्रेस का रिवाज है। और जहां आम आदमी पार्टी गारंटियां देने के बाद पहले दिन से काम शुरू कर देती है तो गारंटियां 1 साल के अंदर अंदर पूरा करती है। आप जो छत्तीसगढ़ के 100 प्रभारी हैं, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोग? मैं तो जहाँ जहाँ भी गया हूँ, जिस जिले में गया हूँ, जिस शहर में गया हूँ, जहाँ तक कि किसी ढाबे पे बैठकर भी चाय पिया तो वहाँ से उनसे बात करी है, तो मैं उनको बताता नहीं हूँ मैं आम आदमी पार्टी से, उनसे पूछता हूँ भाई आम आदमी पार्टी आना चाहिए जहाँ का नहीं। लोग कह रहे हैं कि अगर पंजाब में आई है, दिल्ली में आई है, तो जहाँ हम भी एक मौका देंगे, जहाँ हम भी चाहते हैं कि कोई ईमानदार सरकार आए। वो लोग कहते हैं कि कोई काम करवाने के लिए जाते बिना घूस के कोई काम नहीं होता, भ्रष्टाचार से लदी पुदी सरकार है छत्तीसगढ़ की, लोग चाह रहे हैं ईमानदार सरकार और लोगों को भगवान की कृपा से जरूर मिलेगी ईमानदार सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार। छत्तीसगढ़ की धान खरीदी नरवा गरवा धुरवा बारी स्वामी आत्मानंद विद्यालय को आप किस दृष्टि से देखते? वो खाली पोस्टरबाजी है, एक्चुअल में नहीं है, बयानबाजी है, पोस्टरबाजी है। हमारी सरकार हर फसल खरीदेगी, जितनी जहाँ मैं पिछले महीने आया था तो लोगों को किसानों को मिला तो इतने परेशान है किसान, और पंजाब के किसानों को आप फोन पर भी बात करके देखना इतना खुश है कि पंजाब का किसान, तो ये लोग भी चाहते हैं पंजाब किसान सूबा खेती है, छत्तीसगढ़ भी किसान सूबा खेती है, तो छत्तीसगढ़ का किसान भी पंजाब के किसान की तरह खुशहाल होना चाहता है। तो हर जो मैं छत्तीसगढ़ के बहुत से गांव में गया हूँ, किसानों को मिला हूँ, वो खुद चाह रहे हैं कि हमारी भी हमें भी आम आदमी पार्टी की सरकार लाना है और हम पूरा जोर लगाएंगे, आपके साथ हैं। और बड़ी खुशी हो रही है कि लोगों को ईमानदार सरकार लाने की चिंता है, लोग भी कह रहे हैं कि ईमानदार पार्टी अगर हिंदुस्तान में है तो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी। धन्यवाद। अच्छा, पंजाब में किस दर पर किसानों से धान की खरीदी हो रही है? पंजाब में 12 घंटे के अंदर अंदर धान की खरीदी 24 घंटे। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार वादा की है कि आने वाले दिनों में वो शायद 3,000 तक भी प्रति क्विंटल कर सकती है, वादा करती है पूरा नहीं करती है। आप देखो कि 2 महीने सरकार को रह गए, 3 महीने तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, जो 4.5 साल से मुख्यमंत्री साहब ने अच्छा काम नहीं किया, कभी उप मुख्यमंत्री साहब करेंगे। पंजाब में चन्नी जी को लाना पड़ गया था, इन्होंने कैप्टन साहब को मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कैप्टन साहब ने जन सुना होगा, उनको हटाकर चन्नी जी को लगा दिया था।
और चन्नी जी ने 3 महीने जैसे जहां अभी वादे किए जा रहे हैं ऐसे 3 महीने चन्नी जी ने भी पंजाब में वादे किए थे, कांग्रेस ने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। वही हाल छत्तीसगढ़ में है। लोग जान चुके हैं इन लोगों को, पोस्टरबाजी को, इनकी बयानबाजी को, लोग जान चुके हैं कि ये भ्रष्टाचार सरकार है। लोगों को ये भी पता चल गया है कि अगर पंजाब में ईमानदार सरकार आ सकती है, दिल्ली में आ सकती है, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं। ज़्यादा ना कहते हुए आपको यही कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी साथ देना। इस बार सरकार है जो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, ईमानदार सरकार आएगी, लोग तैयार हैं, आपका भी साथ चाहिए। धन्यवाद। ठीक है सर। खुद बनना होगा। दिल्ली बदलीस, पंजाब बदलीस, हम बदलबो छत्तीसगढ़। दिल्ली बदलीस, पंजाब बदलीस, हम बदलबो छत्तीसगढ़। दिल्ली बदलीस, पंजाब बदलीस।